अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दाऊद है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी फरोश। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता हूं, जो हजरात रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए वीडियोस लेके आता हूं, जो एंड यूज़र हैं उनके लिए वीडियोस लेके आता हूं। आज मैं जो वीडियो टॉपिक लाया हूं, वो वीडियो टॉपिक मेरा दो सोसाइटीज़ के बारे में है। पहली सोसाइटी कैपिटल स्मार्ट सिटी और दूसरी सोसाइटी फैसल टाउन फेज़ टू। आज मैं आपको बताऊंगा कि फैसल टाउन फेज़ टू अच्छा है या कैपिटल स्मार्ट सिटी अच्छी है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि आपको इन्वेस्टमेंट किस सोसाइटी में करनी चाहिए या कौन सी सोसाइटी है जो आपको फ़ायदा दे रही है और जो मज़ीद देगी। अगर मैं बात करूं कैपिटल स्मार्ट सिटी की, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उसके डेवलपर बहुत अच्छे हैं, उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है और उसकी डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो उस पर डेवलपमेंट का काम भी बड़ी तेज़ी से जारी है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं फैसल टाउन फेज़ टू की, तो फैसल टाउन फेज़ टू मार्केट में बहुत तेज़ी से आया और बहुत तेज़ी से बिक गया, उसकी डिमांड बहुत थी। अगर मैं चौधरी मजीद साहब की बात करूं तो उन्होंने पास में बड़े अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, जिसमें फैसल हिल्स है, फैसल टाउन है, फैसल टाउन फेज़ वन है और उसके अलावा E11 है, मल्टी गार्डन्स है और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने डिलीवर किए हैं। अगर मैं उनकी लोकेशन की बात करूँ, उनके जितने भी प्रोजेक्ट थे बड़ी अच्छी लोकेशन पर थे, बड़ी प्राइम लोकेशन पर थे। अगर उनकी प्रोजेक्ट्स की मैं डिलीवरी की बात करूँ तो उनके जो फैसल हिल्स की बात करूँ, तो फैसल हिल्स में ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, अभी डी ब्लॉक आया नया, तो उसके जो ब्लॉक्स हैं उसमें रोड्स, लाइट्स, मस्जिद, स्कूल्स, पार्क और ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं और उधर लोग रह रहे हैं, वो लिविंग प्रोजेक्ट्स हैं। और इसी तरह अगर मैं बात करूं कैपिटल स्मार्ट सिटी की, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी आया था 2016-17 में और इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ फैसल टाउन फेज़ टू को, तो वो समझ नहीं आता, क्योंकि वो फैसल टाउन फेज़ टू अभी आया और कैपिटल स्मार्ट सिटी आज से 4 साल पहले आया। दूसरी बात करूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ फैसल हिल्स कंपेयर हो सकते हैं, क्योंकि 2016 में फैसल हिल्स आया था और 2016-17 में ही कैपिटल स्मार्ट सिटी आया था। अगर मैं बात करूं फैसल हिल्स की, तो बड़ी प्राइम लोकेशन पे एक तरफ उसको जीटी रोड लगता है और उसकी दूसरी तरफ उसको मोटरवे लगता है। इसी तरह अगर बात करूँ मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की, तो एक तरफ उसको चक्री रोड लगता है और दूसरी तरफ उसको मोटरवे लगता है, M2 लगता है। और अगर मैं इनकी प्राइसिस की बात करूँ, फैसल हिल्स में जो स्टार्टिंग में जो उसकी प्राइस आई थी वो 15 से 16 लाख रुपये का प्लॉट था। और इसी तरह अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करूं तो उसमें भी 17 से 18 लाख रुपए का 5 मरला प्लॉट था। और अगर अभी मैं बात करूं कि अभी उनकी क्या प्राइसेस चल रही हैं, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो 17 से 18 लाख रुपए का प्लॉट उन्होंने दिया था 5 मरला आज से 3-4 साल पहले, वो आज 30-32 लाख रुपए का हुआ हुआ है। और अगर मैं बात करूं फैसल हिल्स की, तो वो जो उन्होंने 2016 में प्लॉट दिया था 16 लाख रुपए का, वो ऑल ड्यू क्लियर्स अभी 55 से 50 लाख 60 लाख के दरमियान में मिल रहा है। और कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो उन्होंने 18 लाख का प्लॉट दिया था, वो आज 30-31-32 लाख रुपए का मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आपको पता तो चल गया कि जो फैसल हिल्स में उसमें ज़्यादा प्रॉफिट लोगों ने इन्जॉय किया और कैपिटल स्मार्ट सिटी में कम, क्योंकि जो फैसल हिल्स में उसमें लोगों को डिलीवरी मिल गई है, लोग उस प्लॉट पे अपना घर बना रहे हैं और उसमें रह रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो फैसल हिल है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें स्कूल्स बन गए हैं, पार्क बन गए हैं, फुटबॉल ग्राउंड बन गया है और उसमें काफ़ी कमर्शियल बन चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स, रोड, और उसमें लोग रह रहे हैं उसमें। और चौधरी मजीद साहब ने उसमें एक और अनाउंसमेंट की है, जो उसमें पहले अपना घर बनाएगा, ग्रे स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको 10 लाख रुपया सोसाइटी की तरफ से गिफ्ट भी दिया जाएगा। और अगर मैं बात करूँ इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी के, कैपिटल स्मार्ट सिटी के डेवलपर की बात करूँ, तो डेवलपर इनके बहुत अच्छे हैं। जो अभी फैसल फेज़ टू के जो प्राइस आई थी वो 5 मरला तकरीबन 27,95,000 रुपये थी, यानी 28 लाख रुपया। कैपिटल स्मार्ट सिटी और फैसल टाउन फेज़ टू हैं, ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं, बिल्कुल एक साथ आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी एक्सेस की या इसके एक्सेस पॉइंट्स हैं, जो इनको कौन कौन से रोड लगते हैं, तो फैसल टाउन टू को चक्री रोड से भी इसकी एक्सेस मिल सकती है, इसको मेन दमयाल सदर वाली साइड से भी आ सकते हैं और M2 चक्री रोड से भी आप इसको एक्सेस करते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी की, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी को आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, उसको मेन एक उनका इंटरचेंज भी इनको मिलने जा रहा है, और दूसरा ये आप चक्री रोड से भी आ सकते हैं, और तीसरा ये आप मेन इस सदर वाली रोड से जो दमयाल साइड से जाता है इस रोड से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों प्रोजेक्ट बड़ी अच्छी लोकेशन पे हैं, दोनों प्रोजेक्ट डेवलपर बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कैपिटल स्मार्ट सिटी अच्छी सोसाइटी नहीं है या फैसल टाउन बहुत अच्छी सोसाइटी है, मैं बात करता हूँ कि जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था उन लोगों को क्या फ़ायदा हुआ।
उन लोगों को इसमें कितना प्रॉफिट मिला। मैं उनकी बात करता हूँ जिन्होंने आज से 4-5 साल पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी में प्लॉट लिया था, और उनकी बात करता हूँ जिन्होंने आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले फैसल हिल्स में प्लॉट लिया था। तो जिन्होंने प्लॉट लिया था कैपिटल स्मार्ट सिटी में वो 18-19 लाख रुपए का था, अभी वो 31-32 लाख रुपए का है। और जो फैसल हिल्स में जिन्होंने प्लॉट लिया था वो तकरीबन था 16 लाख रुपए का, और अभी 50-55 लाख रुपए का है। और इनकी अगर मैं बात करूं कि इनमें लिविंग कितनी है, लोग कितने रह रहे हैं, इसकी डेवलपमेंट कहाँ तक चली गई है, और बाकी चीज़ों की अगर मैं बात करूं, और फैसल हिल्स में देखा जाए तो फैसल हिल्स एक बड़ी प्राइम लोकेशन पे है, और उसमें सबसे बड़ी बात कि उधर पानी का नहीं मसला, सबसे बड़ा मसला होता है आपको पानी का, कि आप जहाँ पे रह रहते हैं पानी आपकी बुनियादी ज़रूरत होती है, और फैसल हिल्स आपको इधर इजीली आप बोर करते हैं या आपको पानी अवेलेबल मिल जाता है। कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बट उनमें सब कुछ है, पानी का मसला आ रहा है और टैंकर डलवा रहे हैं लोग और उनको बड़ा मसला है। तो जहाँ पे आप रह रहे होते हैं सबसे पहले आप देखें उसकी लोकेशन, देखें उसमें, देखें कि उसमें ग्रीनरी कितनी है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसमें पानी की क्या सिचुएशन है और बाकी क्या चीज़ें हैं। सिर्फ यही नहीं होता कि आप लोकेशन है, लोकेशन के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसमें अगर तीसरी बात मैं ऐड करता जाऊं कि जो फैसल टाउन फेज़ 2 है और जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, इसके जो अभी आ रहे हैं, अभी जो नया इसका रेट आया कैपिटल स्मार्ट सिटी के नए ब्लॉक का, वो तकरीबन 31 लाख रुपए है, और उसी के साथ अगर मैं देखूँ फैसल टाउन फेज़ 2 को तो वो 27,95,000 रुपये का रेट आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो ज़्यादा जूस है ना, वो जब सोसाइटी एक नई सोसाइटी आती है ना तो उसमें आपको जूस मिलता है, उसमें आपको ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं कि आपको मिले। और जो सोसाइटी 4-5 साल पहले काम कर चुकी होती है उसमें ऑलरेडी जो प्रॉफिट ऊपर बढ़ना होता है वो बढ़ चुका होता है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप एक अच्छा फ्रूट इंजॉय करें। अभी मैं बात करूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो नया ब्लॉक आया उसमें तकरीबन 31 लाख रुपए का ये 5 मरला प्लॉट दे रहे हैं, और उसमें तकरीबन 2 लाख या 2,10,000 रुपये डेवलपमेंट चार्जेस हैं 1 मरला के, तो वो तकरीबन 10 लाख डेवलपमेंट चार्जेस बन जाएंगे और 31 लाख का प्लॉट आपका 41 लाख रुपये में मिलेगा 5 मरला प्लॉट, जबकि फैसल टाउन फेज़ 2 में आपको मिलेगा 5 मरला 28 लाख रुपये का, आपका पहले ही 12 लाख रुपये का डिफरेंस आ जाता है। लोकेशन भी वही है, सेम जगह, डेवलपर भी दोनों अच्छे हैं। तो ये चीज़ आप देखें कि आपको किस सोसाइटी में फ़ायदा है। आज के लिए इतना ही, जो मेरे पास मालूमात थी मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद ऐसी मालूमात और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मैं आइंदा भी आपकी ऐसी घंटी बजाता रहूँ, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।